स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम आज और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ ₹500 अर्न ₹55 as interest in 2 years and 9 months। हमें फाइंड करना है एनुअल रेट, यानी कि आर की वैल्यू, क्योंकि रेट के लिए हम आर से डिनोट करते हैं। और क्या गिवन है हमें, ये जो ₹500 है ये प्रिंसिपल वैल्यू है, अर्न रेट 55 ये सिंपल इंटरेस्ट हमने दिया हुआ है, 2 ईयर ये टाइम दिया हुआ है, टू ईयर एंड 9 मंथ ये कंप्लीट टाइम है, 2 ईयर्स और 9 मंथ। तो जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम नोट करते हैं। पी ₹500 सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, ₹55 टाइम हमें दिया है, टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स प्लस 9 मंथ्स। तो अब हम इन 9 मंथ को भी ईयर में चेंज करेंगे, क्योंकि कंप्लीटली टाइम हमें ईयरली चाहिए। तो देखिए, 2 ये लिखा है, 9 मंथ के लिए जब हम ईयर में चेंज करेंगे तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ये आप जानते हैं। तो 12 से हम 9 को डिवाइड कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई किया, यानी 3 से डिवाइड कैंसिल कर दिया, 3 3 जै 9 3 4 जै 12, 3/4, 4 2 जै 8 प्लस 3 11 / 4 ईयर्स। तो जो 2 ईयर्स 9 मंथ थे उनके लिए हमने ईयर में चेंज किया और वो हो गया 11/4 ईयर्स। ओके, हमें वैल्यू फाइंड करनी है आर रेट। तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। आर के लिए हम फार्मूला चेंज करते हैं, इस फार्मूले को चेंज करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसी की फॉर्म में हम फार्मूला बनाते हैं। तो देखिए, आर फाइंड करना है तो हमने आर लिखा इक्वल टू, कैसे बनता है इसको समझ लीजिए फिर से, 100 की मल्टीप्लाई SI से, तो 100 मल्टीप्लाई SI डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई टी। ओके, अब हम इसमें जो फार्मूला हमारा आर के लिए बना, इसी फार्मूले से जो कि SI का फार्मूला है, और एक फार्मूला हमें याद रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इस फार्मूले से हमने चेंज कर लिया, फार्मूले की फॉर्म चेंज कर दी, आर के लिए फार्मूला रिड्यूस हो गया। तो देखिए, 100 SI 55 है, पी की वैल्यू 500 है, 11 मल्टीप्लाई जो टी है टाइम वो 11/4, जो कि आपको क्वेश्चन से हमने नोट किए थे, वही वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की इस फार्मूले में। ओके, अब क्या करना है, केवल कैलकुलेशन करना है इसका। देखिए, कैलकुलेशन करने के लिए आप किसी भी मेथड से, हर स्टूडेंट अलग अलग मेथड से कर सकता है। तो हमने किया है, देखिए 5 से इन्हें डिवाइड किया, 11 आया 5 से इसको, और ये 20 यहाँ से कैंसिल कर दिए, तो 5 से इसको डिवाइड किया 11 रहा, 11 से ये 11 कैंसिल, केवल ये 4 रहा, डिवाइड के डिवाइड में है ये 4, तो ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4%, यानी जो रेट इन्होंने फाइंड कहा
कराया था कि फाइंड करिए कि इस क्वेश्चन के लिए रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट, तो वो 4%। ओके, स्टूडेंट्स हम अब आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक की ओर। न्यू टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही इंटरेस्ट हैं, तो क्या डिफरेंस है इनमें और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसके लिए हम समझते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लिया हमने कुछ अमाउंट इंटरेस्ट पर दिया और हमने मान लिया 3 ईयर के लिए वो अमाउंट डिपॉजिट किया है, समझिए बैंक में डिपॉजिट किया, तो 3 ईयर के लिए किया और रेट हमारा फिक्स हो गया कि कोई भी रेट हो सकता है, 5%, 10%, 6%, फिक्स रेट के लिए किया। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला भी बताया। और ये क्या होता है कि 3 ईयर के लिए हम डायरेक्टली इंटरेस्ट 5% से या जो भी रेट होगा उससे फाइंड करके वैल्यू निकालने, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जैसे कि ये कहा गया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ईयरली अप्लाई होता है, मतलब कि हम अगर हमने अमाउंट 3 ईयर के लिए डिपॉजिट किया तो 1 ईयर के बाद जितना भी आपने अमाउंट जमा किया, डिपॉजिट किया, उस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, कौन सा, सिंपल। और वो इंटरेस्ट उस जो जमा किए हुए हमारी मनी होगी उसमें ऐड किया जाएगा। जैसे कि मान लिया हमने 1000 डिपॉजिट किए और उसका 100 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया 1 ईयर का, तो वो हो गया कितना, 1100 रुपीज़। अब जो इंटरेस्ट लगेगा अगले ईयर के लिए वो इस पर लगेगा 1100 पर, यानी 1100 पर। फिर उसका इंटरेस्ट 1 साल के लिए लगाएंगे, 1 ईयर के लिए जो भी होगा वो उसमें फिर प्लस करेंगे, फिर थर्ड ईयर जो तीसरी साल होगी उसके लिए फिर जो अमाउंट होगा वो विद इंटरेस्ट होगा, मतलब ईयर वाइज इंटरेस्ट लगता जाता है और इंटरेस्ट पर भी फिर हमें इंटरेस्ट मिलता है। कुल मिला के ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है इसका, कि फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला ए माइनस पी, ये जो सिंबल्स हैं ए पी आर एन, ये वही है, ए अमाउंट विद इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल जो हमने डिपॉजिट किया, ए क्या है, प्रिंसिपल प्लस डिपॉजिट, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट बन जाता है। रेट किस रेट पे दिया, एन टाइम, कितने ईयर या मंथ के लिए दिया। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पर फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेट 10,000 एट रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स। क्वेश्चन से जो जो वैल्यूज गिवन है वो नोट करते हैं। देखिए, पी गिवन है हमारे लिए 10,000, आर है 10%, एन 3 ईयर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, हम पहले अमाउंट फाइंड करते हैं। ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की एन, फार्मूला लिखा
फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हमें गिवेन है वो हमने सब्सटीट्यूट की। 10,000 वन प्लस आर ओवर 10 अपॉन 100 की पावर 3। 10 और 100 में कैंसिल किया, 0 कैंसिल हुआ, ये 1/10 रहा। इसको कैलकुलेशन किया, इसका 10 बन गया 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 की पावर 3। ए इक्वल टू ये 10,000 मल्टीप्लाई, ये 3 पावर है ना, 3 पावर मीन्स आप जानते हैं कि 3 टाइम मल्टीप्लाई 11 की, 3 टाइम मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 10 की भी 10 मल्टी 10 मल्टीप्लाई 10। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, ये 0 है, 3 0 3 0 से कैंसिल है, 10 रहा, 11 11 11। इन चारों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, कैसे भी कर सकते हैं, 11 की 11 से जो आएगा, फिर उसकी 11 से जो फिर आंसर आएगा उसकी 10 से। तो ये रहा 13,310 रुपीज़। ये क्या वैल्यू आई, अमाउंट की, अमाउंट आया, अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ए की जगह ए की वैल्यू जो आई, आंसर आया वो लिखा, माइनस पी, पी कितना है यहाँ देख सकते हैं आप, 10,000 सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया वो 3,319 रुपीज़। ओके okay?